गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। हमने आशा बुक का पाठ एक बूंद कविता पढ़ी थी। आपने इसके शब्द अर्थ किए होंगे और आपने शब्द कविता की 8 लाइनें भी लिखी होंगी। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, मौखिक हैं। इस पाठ से बताइए, एक बूंद कहाँ से निकली थी? बादलों से। दूसरा है, एक बूंद किसके लिए कहा गया है? बरसात के लिए। गय में है, बादल से निकलने के बाद बूंद। एक बूंद क्या सोच रही थी? बादल से बूंद सोच रही थी कि धूल में मिलूंगी, अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या कमल के फूल में टपक पड़ूंगी। कवि कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहा है? जीवन में हमें साहस से काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, शुद्ध उच्चारण करना है, पढ़ना है, आपको पढ़कर देखना है। बूंद, कढ़ी, अंगारे, अक्सर, लव, सुंदर। लिखित में है प्रश्न नंबर 1, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। देव मेरे भाग्य में है, क्या बदा। उसके आगे खाली लाइन है, आप लिखना मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, और अंडरलाइन कर देना। अब अगली लाइन खाली है, उसमें लिखेंगे आप या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, फिर अंडरलाइन कर देना। फिर अगली लाइन में है, चूह पड़ूंगी या कमल के फूल में, फिर जो आपने लिखा है पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर देना। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हवा किस ओर बह रही थी? ऑप्शन 3-3 दिए हैं, आप इसमें समुंदर की ओर सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि ज़मीन की ओर, पहाड़ की ओर गलत है। खै है, किसका मुंह खुला हुआ था? मछली का, सीप का, घोंगा का? सीप का। उसके आगे आप टिक लगाएंगे सही का निशान। घर छोड़ने पर किसके समान लाभ होता है? कछुए के समान, हवा के समान, बूंद के समान। तो आंसर है इसका बूंद के समान। उसके सामने सही का निशान लगा दीजिए। पाठ से जुड़े सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाइए। एक बूंद बादलों की गोद से निकली थी, सही। एक बूंद निर्भय होकर आगे बढ़ी, ये गलत है। अगला है, घर छोड़ना अक्सर लाभदायक होता है, सही। जीवन में सफल होने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, सही। समुंदर में एक मछली का मुंह है खुला हुआ था, गलत। एक बूंद धूल में गिर गई, गलत। अब प्रश्न उत्तर है प्रश्न नंबर 4, इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर दीजिए। एक बूंद को बादलों से निकलने के बाद किस किस चीज़ का भय सता रहा था? एक बूंद को बादलों से निकलने के बाद धूल में मिलने और अंगारे पर गिरकर जलने का भय सता रहा था। एक बूंद कहाँ जाकर गिरी और क्या बनी? एक बूंद समुंदर की ओर जाकर सीप के मुंह में गिरी और मोती बनी। लोग कोई कार्य करने से क्यों घबराते हैं? लोग कोई कार्य करने से पहले उसके परिणाम की चिंता में घबराते हैं। कवि के अनुसार किनका भाग्य साथ देता है? कवि के अनुसार त्याग करने वाले और परिश्रम करने वाले का भाग्य साथ देता है। अगला जो प्रश्न है भाषा ज्ञान का है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन को बिना स्वर के लिखने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा यानी हलंत लगाते हैं, जैसे क को स्वर के बिना क लिखते हैं। वर्णों में वर्णों से ध्वनियों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे धूल।
ध प्लस ऊ प्लस ल प्लस ए धूल। अब प्रश्न है इसका एक, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। बादलों ब प्लस आ प्लस द प्लस ए प्लस ल प्लस ऊ बादलों। गोद ग प्लस ओ प्लस द प्लस ए। अब है बूंद ब प्लस ऊ प्लस चंद्रबिंदु पर प्लस द प्लस ए। अब है फूल फ प्लस ऊ प्लस ल प्लस ए। समान अर्थ वाले शब्द को, प्रश्न नंबर दो है, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर शब्द है समुंदर स प्लस ए मैं प्लस ऊ न प्लस द प्लस रे प्लस ए समुंदर। अनमनी ए प्लस न प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस न प्लस ई अनमनी। प्रश्न नंबर दो है भाषा ज्ञान वाला, समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों का दो दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल का है मेघ घन जलद, मैं तीन तीन बता रही हूँ, आप चाहे दो दो भी लिख सकते हैं। भाग्य नसीब किस्मत तकदीर। फूल पुष्प सुमन कुसुम। अगला है कमल जलज राजीव पंकज। फिर है शब्द समुंदर सागर जलधि समुद्र। फिर है सीप सीपी कवच आवरण। थैंक यू।